तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप वीवो V23 मोबाइल में ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, तो सिंपली आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे। अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का, तो सिंपली आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप पासवर्ड डाल दोगे आप अपना, तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप इंक्रिप्शन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से आप जितने भी ऐप्स हैं दिख रहे हैं इनको सबको लॉक कर सकते हो। जितने भी ऐप्स को लॉक करना चाहते हो उनको यहाँ से इनेबल कर दीजिए, आपके ऐप्स जो है वो लॉक हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि फिंगरप्रिंट को कैसे ऐड करोगे अपने ऐप लॉक में। तो इसके लिए आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद देखिए सिक्योरिटी के अंदर ही आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर से दूसरे नंबर पर मिल रहा है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, तो इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करते ही आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा फिर से, और जैसे ही पासवर्ड डाल दोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट है वो लग चुका है, अब अपने फिंगरप्रिंट से भी ऐप लॉक को ओपन कर पाओगे।